बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस चीफ करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल। मीटिंग में ममता बनर्जी, केजरीवाल, शरद पवार शामिल, उद्धव ठाकरे, नीतीश, लालू, तेजस्वी और अखिलेश यादव मौजूद। बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन मौजूद, हेमंत सोरेन, जयंत चौधरी समेत कई और नेता भी शिरकत करेंगे। बेंगलुरु में कई जगहों पर बिहार सीएम नीतीश के पोस्टर, नीतीश को बताया मौका परस्त पीएम कैंडिडेट, ब्रिज हादसे को लेकर भी निशाना साधा। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, कहा कि बेंगलुरु में कांग्रेस ने की नीतीश की बेइज्जती, पोस्टर लगाकर बताया अनस्टेबल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी दलों की बैठक पर कसा तंज, कहा कि बैठक का कोई असर नहीं, सारे विपक्षी चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो बड़ा खतरा है, अब कांग्रेस इनसे लड़ने को तैयार। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का कांग्रेस पर तंज, कहा कि सत्ता के लालच में सरकारी मशीनरी का काम कर लगा रही है। नीतीश पर जीतन मांझी का बड़ा अटैक, कहा कि नीतीश अगर विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो उनको सद्बुद्धि के लिए करूंगा प्रार्थना। जीतन मांझी का बयान, कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में फेल है नीतीश, उनके राज में भ्रष्टाचार, गरीबों को शोषण बढ़ा। विपक्षी एकता पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा कि पीएम मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, जिनको एक्सरसाइज करना है उनसे क्या दिक्कत। विपक्ष की बैठक पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, देश को बचाने के लिए बैठक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही, 2024 में सरकार बदल जाएगी। विपक्ष की बैठक के पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों की शिरकत, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में 38 दल होंगे शामिल, दिल्ली के अशोक होटल में शाम को 5 बजे बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल, शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। बिहार से हम पार्टी के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा कि देश में विपक्ष कहीं लड़ाई में नहीं, बीजेपी का पूरे देश भर का जनाधार। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा आरोप, कहा कि अखिलेश के साथ नहीं चलेगा कोई गठबंधन, वो किसी को नहीं नेता नहीं बनने देंगे। एनडीए मीटिंग पर बोले शिवसेना नेता दीपक केसरकर, कहा कि विकास ही एकमात्र मुद्दा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रही है भारत की तरक्की। एनडीए की बैठक को लेकर पशुपति पारस का बड़ा बयान, कहा कि 2024 में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जंग, पशुपति पारस ने सीट पर दावा ठोका, कहा कि हाजीपुर में मैं सांसद तो मेरा अधिकार। पशुपति पारस ने कहा कि पासवान जी मुझे उत्तराधिकार बना कर गए हैं, सूरज पूर्व से पश्चिम में उग जाए ये संभव नहीं। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। नए टर्मिनल से हर दिन 11,000 लोगों को सेवा, 10 प्लेन साथ खड़े होने की क्षमता। पीएम मोदी का विपक्ष की मीटिंग पर वार, कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं भ्रष्टाचारी। पीएम मोदी का अटैक, कहा कि इनकी दुकान में जातिवाद, परिवारवाद, नफरत का जहर, घोटाले, तुष्टिकरण की गारंटी। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार, कहा कि कुछ दलों के विकास का काम रोका, 9 साल में पुरानी गलतियां सुधारी। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कि खर्च किए गए हैं 710 करोड़ रुपए, देश से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि पीएम के नेतृत्व में 700 पहुंचा हवाई बेड़ा, अगले 3 साल में 200 पार होंगे एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सिंधरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कल रात 11:30 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ड्रोन और नाइट विजन उपकरणों के जरिए निगरानी रखी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी का पलटवार, कहा कि रिपोर्ट से हमारी प्रतिष्ठा को पहुंचा है नुकसान, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले गौतम अडानी, कहा कि रिपोर्ट ने 2004 से 2015 तक के गलत आरोप लगाए, सभी को चुका था निपटा। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से याचिका, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। मुंबई में रात 8 बजे बीजेपी के अजीत और शिंदे गुट की मीटिंग, मंत्री उदय सामंत के आवास पर होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। उद्धव गुट के 14 विधायक आज देंगे जवाब, स्पीकर को नोटिस कर देंगे जवाब। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमडू से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी, शाम को 4 बजे दफ्तर बुलाया। पोनमडू से कल से ईडी कर रही है पूछताछ, कल 8 घंटे तक अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। फरीदकोट JMIC कोर्ट की सुखबीर सिंह बादल को विदेश यात्रा की मंजूरी, बेटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होंगे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। बेंगलुरु के अस्पताल में उमान चांडी ने ली अंतिम सांस, केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन ने निधन पर जताया दुख। पीएम मोदी का ट्वीट, केरल के पूर्व सीएम उमान चांडी के निधन पर जताया शोक, लिखा कि हमने विनम्र समर्पित नेता को खो दिया। राहुल गांधी ने उमान चांडी के निधन पर जताया शोक, कहा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, हम उन्हें याद रखेंगे। बेंगलुरु में पूर्व मंत्री टी जॉन के घर रखा गया उमान चांडी का शव, सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु के चिन्मय मिशन हॉस्पिटल में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के पूर्व सीएम उमान चांडी को श्रद्धांजलि दी। केरल के सीएम पी विजन ने पूर्व सीएम चांडी के निधन पर दुख व्यक्त किया, 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया।
केरल के कोट्टायम में उमान चांडी के घर पहुंचे समर्थक श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे लोग। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उमान चांडी को जमीन से जुड़ा नेता बताया, कहा कि हमने केरल के बेटे और जनता के सेवक को खोया। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर। नोएडा में सीमा सचिन के आज भी एटीएस की पूछताछ, अज्ञात जगह पर हो रहे हैं सवाल जवाब, कल भी हुई थी पूछताछ। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा, सचिन के पहले सीमा ने कई और लोगों से किए थे संपर्क, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले। एटीएस सूत्रों के मुताबिक बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, राज उगलवाना आसान नहीं है, हर सवाल का दिया नपातुला जवाब। मुंबई पुलिस को पाकिस्तान से अज्ञात शख्स का मैसेज, सीमा हैदर को बताया जासूस का कि भारत को होगा नुकसान। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली की आईटीओ रोड पर ट्रैफिक हुआ चालू, यमुना का पानी भरने से करीब एक सप्ताह से बंद पड़ी थी सड़क। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा कि वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फुल कैपेसिटी से चालू, कर्मचारियों को धन्यवाद। मेरठ में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी, लोगों को मुहैया करवाई चीजें। बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद हुआ, मलबा पार करे टेम्पो खाई में पलटा। श्रीनगर डैम से छोड़े गए पानी से हरिद्वार में गंगा का पानी बढ़ा, चंडी देवी घाट पानी में डूबा, हरिद्वार डैम के गेट खोले गए। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, हरिद्वार मसूरी और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हरिद्वार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, आम जनजीवन बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा, सड़क यातायात प्रभावित। देहरादून में बीती रात तेज बारिश, तापमान में गिरावट। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम का सीएम ने किया दौरा, कहा कि सभी जिलों में रखी जा रही है नजर, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, रात से 20 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल के मंडी में फिर शुरू हुआ बारिश है, लोगों को फिर से बड़ी परेशानी। असम के मोरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी करीब 20 गांव में घुसा, मायोंग इलाके में हजारों लोग प्रभावित हुए। अमेरिका से वापस मिली 105 कलाकृतियां तस्करी करके ले जाई गई थी, न्यूयॉर्क में अमेरिका के ओर से भारत को सौंपी गई। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी का बयान, कहा कि ये एक सांस्कृतिक समझौता पीएम मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐलान किया था। फ्रांस में बैसिल डे परेड में शामिल हुए टुकड़ियों को मिले आर्मी चीफ मनोज पांडे, सफल परेड के लिए सम्मानित भी किया। 5 साल में गरीबी से बाहर निकले हैं 13.5 करोड़ लोग, नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी सबसे आगे, यूपी में सबसे ज्यादा 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया, लिखा कि पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तारीफ की, कहा कि दोनों की वजह से लखनऊ समेत यूपी में विकास हो रहा है। 9 साल में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। गौर ऋषि दत्त शरणानंद जी पथमेड़ा महाराष्ट्र से मिले बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी नमन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं पथमेड़ा महाराज। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला धमकी भरा मैसेज, पीएम मोदी सरकार और सीएम योगी को धमकी दी गई, मुंबई अटैक जैसे हमले की धमकी। अनंतनाग में राज्य जांच एजेंसी का छापा, अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में कार्रवाई। अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम, केमोह और शोपियान के हेफ में भी छापे, हत्यारों की तलाश की जा रही है। झारखंड के पतरातू में अमन साहू गैंग ने एटीएस के डिप्टी एसपी और पुलिस के एक एएसआई को गोली मारी, दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। आपराधिक गिरोह के खिलाफ छापेमारी के कार्रवाई के दौरान एटीएस टीम पर हमला हुआ, घायलों और दोनों पुलिस वालों की हालत पूरी तरह से स्थिर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दमोह में एक पत्रकार पर हमले पर बोले एसपी, कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम को होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ओडिशा के बालासोर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन, गैंग के 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। असम के नौगांव में एसटीएफ ने 4 तस्करों को किया अरेस्ट, 1 पिस्तौल, कारतूस, 4 मोबाइल और 1 4 व्हीलर गाड़ी बरामद। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ को सफलता, पैकेट में 2 किलो 350 ग्राम हेरोइन बरामद की, ड्रोन की आवाज पर चलाया सर्च ऑपरेशन। अम्बाला में बरामद ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा, 350 क्विंटल अफीम, 492 क्विंटल गांजा, 3.25 किलो चरस और 1150 कैप्सूल शामिल। तमिलनाडु के शिवगंगा में ओपन एयर जेल का एक और सफल प्रयोग हुआ, लगभग 50 कैदियों से खुले में करवाई जा रही है खेती। भुवनेश्वर में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बॉयज हाई स्कूल के साथ विलय के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लहराकर जताया विरोध। एक छात्रा ने कहा कि हमें सरकार का फैसला पसंद नहीं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई के समंदर किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, लाइफगार्ड के समझाने पर भी नहीं मान रहे।
दिल्ली में इंटरस्टेट आर्म्स गैंग का खुलासा, 3 बदमाश अरेस्ट, 15 पिस्टल भी बरामद। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समुदाय का प्रदर्शन, कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध। मेरठ में दर्दनाक हादसा, रैपिडेक्स का स्लैब गिरने से 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के कोटा में एक स्टूडेंट ने किया सुइसाइड, सप्ताह पहले ही नीट की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हरेली त्यौहार, सीएम के आवास पर कार्यक्रम हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने गायों को चारा खिलाकर पूजा की, कृषि यात्रियों की पूजा की और परिवार के साथ झूला भी झूले। हरेली त्यौहार पर सीएम आवास को पारंपरिक तौर पर सजाया गया, लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली, कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्रीमिया में पुल पर अटैक, 2 लोगों की मौत, ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया। रूस को यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई, यूक्रेन के व्यापार पर पड़ेगा असर, रूस के फैसले से दुनिया भर में बढ़ेगी गेहूं की कीमत। रूस के फैसले का अमेरिका ने आलोचना की, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बोले, भोजन को हथियार बना रहा है रूस। स्पेन के ला पाल्मा में आग ने मचाई तबाही, कई घर जलकर खाक, 4,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगल में लगी आग बेकाबू हुई, कई घर जलकर खाक हुए। मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 मंजिले इमारत ढही, 9 लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्वी पेंसिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ से 5 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नहीं होंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026, मेजबानी के खर्च के चलते वापस लिया नाम। म्यांमार के जंगलों से आई इलाज की तस्वीरें, सेना के साथ संघर्ष में घायल विद्रोही लड़ाकों का इलाज करते दिखे डॉक्टर। चीन में चक्रवाती तूफान तालीम ने मचाए तबाही, फुजियान प्रांत में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी, लोगों के घरों में भरा पानी। हांगकांग में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी, 100 से ज्यादा लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया गया। हांगकांग में तालीम तूफान के कारण स्कूल एवं शेयर बाजार बंद किए गए, कई रौनें रद्द की गई। चीन के कई शहरों में स्केलेटन रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, वजन उठाते वक्त इंसानों के लिए हो रहा है काफी उपयोगी। हॉलीवुड में 63 साल बाद सबसे बड़ी हड़ताल, स्क्रिप्ट राइटर्स की हड़ताल को एक्टर्स का समर्थन, कामकाज ठप। तुसाड ने प्रसिद्ध गायक हैरी स्टाइल्स के 7 नए मोम के पुतलों का प्रदर्शन किया, 7 पुतलों की दुनिया भर में अब स्थापना की जाएगी। 4 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स, मध्य प्रदेश के चंदेरी की पृष्ठभूमि पर आधारित है फिल्म की कहानी। फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स का निर्देशन संजय भार्गव ने किया है, बड़े कलाकारों के साथ क्षेत्रीय कलाकारों को मौका दिया है। स्केटिंग करते हुए युवक ने कांवड़ यात्रा की, सड़क पर दिखा एक से बढ़कर एक करतब। महादेव के दरबार में पहुंची गौ माता, भक्तों ने दूध के धार से भगवान शिव का अभिषेक किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर महिला ने दिखाई दबंगई, टोल कर्मी के बाल खींचकर जमकर पीटा।